Hey everyone, this is your Shruti ma'am. Welcome back to our channel One Stop NEET. और आज हम समझने वाले हैं, डीकोड करने वाले हैं नीट 2023 इंफॉर्मेशन बुलेटिन को. तो आई होप सारे मेरे नीट एस्पिरेंट्स बच्चों को जो नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे, ये पता लग गया होगा कि फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है. और कल से यानी कि 6 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है. लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम से पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, समझना है और फिर ही हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे. आपके पास 1 महीने का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का. कोई भी जल्दीबाजी से अगर आप किसी भी तरीके की गलती करते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर से इस सेशन को लाइक करो, सारे अपने फ्रेंड से शेयर कर दो और मेरे साथ ध्यान से सुनो क्या इंस्ट्रक्शंस इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए हैं. ये आप देख रहे हो नीट टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है ना, यूजी नीट यूजी 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है. यहाँ पर क्लियरली ये बात लिखी हुई है. इंफॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्ट होने के बाद पहले तो उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए हैं, कोर वैल्यूज, ये वो, ये आपके काम के नहीं. और फिर दिया है इंडेक्स. इंडेक्स आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन है, फिर आपका नीट एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीजें, एग्जामिनेशन के स्कीम, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, मीडियम क्या होगा, सिटीज, क्योंकि आप सिटी में सेंटर फिल करते हो और कोड फिल करते हो उसके लिए. उसके बाद काउंसलिंग, रिजर्वेशन की बात की गई है, एलिजिबिलिटी की बात की गई है. कहाँ चले गए भाई हम? हाँ, तो एलिजिबिलिटी की बात की गई है और बहुत सारी और ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी इस बुलेटिन में दी हुई है. हम आज उन इंफॉर्मेशन की बात करेंगे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जरूरी के लिए जरूरी है. सबसे पहली बात, इंडेक्स के बाद जो उन्होंने दी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना. क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि आप एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उसके पहले सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो ध्यान से. फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली फिल जो है पढ़ना है बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. क्या ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी तरीके की करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी, है ना, स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन. तो किसी भी तरीके की करेक्शन फैसिलिटी आपको बाद में नहीं दी जाएगी. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. इसीलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म. आप जिस टाइम पर फॉर्म भर रहे हो, सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्म फिल करना होता है, तो वो फिल करने के टाइम पर आप उसको एडिट या मॉडिफाई कर सकते हो. लेकिन आपने एक बार फाइनल सबमिट बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद आप किसी भी तरीके से फॉर्म को एडिट नहीं कर पाओगे. तो आपको बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, समझना है, चाहे वो फोटोग्राफ्स के लिए हो, सिग्नेचर के लिए हो, लेफ्ट राइट हैंड्स के, फिंगर्स के या थंब के इम्प्रेशन के लिए हो, या जो भी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना है उसके लिए हो. आप जो मोबाइल नंबर दोगे वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए. आप जो ईमेल आईडी दोगे वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में किसी भी तरीके के मिस्टेक नहीं कर सकते. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चीजें ओटीपी जो है भेजकर वेरीफाई भी किए जाएंगे. और सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो, क्लियर कर लेते हो, और जब कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जाते हो तो वहां पर भी यूज होगा. तो सेम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको एक्टिव रखना है थ्रू आउट दी प्रोसेस जो आपका पूरा है कॉलेज में एडमिशन होने तक. अगर आपको मोबाइल नंबर इंटरनेशनल है ना, तो आपको एडिशनल नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बाहर बाहर से हैं, इंडिया के बाहर हैं और एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं. एक लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो भी चूज कर लिया है ना, एक बार चूज कर लिया तो बाद में किसी भी स्टेज में आप ये चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के हो सकते हो, आप हिंदी मीडियम के हो सकते हो, आप मराठी मीडियम के हो सकते हो, राजस्थानी, गुजराती और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने अपनी पढ़ाई किस लैंग्वेज में करी है. आपको ये मीडियम बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से चूज करना है. अब आ जाओ जो है डेट्स के ऊपर कि क्या डेट दी हुई है.
कल ही जो है आपका फॉर्म आया है, 6 मार्च से 6 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, रात में 9 बजे तक, है ना। आप फीस जो है अगेन 6 अप्रैल ऑलमोस्ट 12 बजे, 11:50 तक भर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्म फिल करने का टाइम 9 बजे ही है। जनरल के बच्चों के लिए जिनका कोई कोटा नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 1700 है। जनरल में अगेन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी में वीकर सेक्शन के लिए 1600 है, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और थर्ड जेंडर के लिए ये 1000 रुपीज है। क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट या एडमिट कार्ड का डाउनलोड बाद में एनटीए की वेबसाइट पर बताया जाएगा। 7 मई को आपका एग्जाम है, तो याद रखना एग्जाम डेट वापस उन्होंने कंफर्म कर दिया, जो मैं पहले से पता थी। 200 मिनट्स का एग्जाम होगा, 3 या 20 मिनट्स का एग्जाम होगा, बेसिकली जैसे लास्ट ईयर हुआ, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टार्ट होगा 2 PM पर और खत्म होगा 5:20 PM पर। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो दी है वो है आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आपको आगे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो neet.nta.nic.in, आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहो वेबसाइट को, यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन नीट से रिलेटेड, अब एग्जाम से रिलेटेड आएगी, है ना। अब आई होप आपको इतनी सारी चीजें मैंने बताई वो समझ आई होगी। इसमें से कोई भी आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कहीं पर भी लग रहा है कि फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूर से वीडियो पे कमेंट कर देना और मैं आपको सारे वो क्लैरिफिकेशन वीडियोस बनाती रहूंगी, सब कुछ समझाती रहूंगी। लेकिन फॉर्म हम गलत बिल्कुल नहीं फिल करेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आप कोई भी कहीं पर जाकर फॉर्म खरीद नहीं सकते हो, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। एंड अगेन neet.nta.nic.in पर ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन भी इसी वेबसाइट पर होगा, और ऑनलाइन फॉर्म किसी भी और मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक कैंडिडेट हमेशा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, तो अगर आपने एक बार गलती कर दी तो ये नहीं सोच सकते कि दोबारा से फॉर्म फिल कर दूंगा और दोबारा से सही कर दूं। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, दो बार फॉर्म किया तो रिजेक्ट होगा, है ना। आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप जो है पेरेंट्स गार्जियन के हेल्प से फिल कीजिए। आप पेरेंट या गार्जियन का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फोन नंबर दे दीजिए जो हमेशा एक्टिव हो, अगर आप कोई भी ऐसा ईमेल आईडी फोन नंबर खुद नहीं रखते हैं तो, है ना। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी दिया है, उसको ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ही आप उसको फिल करिए, है ना। क्या करना है आपको? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप वन इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर करना है बेसिकली, जहां पर आपका एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको सेव करके रखना है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको स्कैंड इमेजेस अपलोड करने हैं, है ना, किस किस चीज के? रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के, सिग्नेचर आपका, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स और थंब का इम्प्रेशन। अगर आप किसी भी ऐसे स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आपकी सिटीजनशिप अलग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली, है ना, किसी भी तरीके से चैलेंज्ड हो तो उसका सर्टिफिकेट, और आपका एड्रेस प्रूफ जो कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस होगा। ध्यान से पढ़ो कि अब आप जो फोटो खिंचवाओगे, है ना, चाहे वो पासपोर्ट साइज हो या पोस्ट कार्ड साइज हो, दोनों तरीके की फोटो खिंचवानी है, ठीक है, वो कैसे होगा? तो रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर में भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 80% फेस विजिबल होना चाहिए, मास्क लगाकर नहीं खिंचवा सकते। कान दिखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, इयर्स आपके दिखने चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड पर फोटो खिंचवानी है। मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रही हूं, आप पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों फोटो खिंचवाओगे, है ना, लिख रही हूं यहां पर आपके लिए, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड दो अलग साइज की फोटो होती हैं, दोनों ही फोटोज कलर या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती हैं,
फेस क्लियर दिखना चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए और ईयर विजिबल होने चाहिए, कान नहीं छुपा सकते। तो अगर आप खुले बाल में फोटो खिंचवा रहे हो तो बाल को पीछे रखो, है ना। आप किसी भी तरीके से कवर करते हो अगर अपने हेड को किसी भी वजह से, तो आपको कान दिखाने पड़ेंगे, ठीक। और वाइट बैकग्राउंड, लाइट कलर के बैकग्राउंड पे आप फोटो खिंचवाइए। आप जाकर ये इंस्ट्रक्शंस बताइए जहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करना है, सिग्नेचर को स्कैन करना है, लेफ्ट और राइट हैंड और जो है के फिंगर्स सारे और थंब सारे इंप्रेशंस को स्कैन करना है, किस फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो सबको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लो अपने सिस्टम में एक जगह पर। इसके बाद अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सिटीजनशिप को बिलोंग करते हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड है हो, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में, क्या लिखा है, पीडीएफ के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स को अगेन आप स्कैन करके रख लीजिए। अब साइज क्या होगी भाई जो आप फोटोग्राफ खिंचवाओगे, तो जब आप स्कैन कर रहे हो तो एक इमेज के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में रख रहे हो तो उसकी साइज होती है, तो जो स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसकी साइज 10 to 200 KB के बीच में हो सकती है। अगर पोस्ट कार्ड साइज है तो भी 10 to 200 KB के बीच में होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो छोटा होगा अब, है ना, क्योंकि सिग्नेचर छोटा हो गया, 4 से 30 KB के बीच में। तो जब आप उसको स्कैन करके रख रहे हो तो आपको ये साइज देखनी पड़ेगी जेपीजी फॉर्मेट में, है ना। आपके जो लेफ्ट और राइट हैंड और फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन है, अगेन 10 to 200 KB के बीच में, है ना। फिर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, क्योंकि वो पीडीएफ में है तो वो 50 to 300 KB में आएंगे। तो यहाँ देखो 50 to 300, यहाँ देखो 50 to 300, फिर आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट 50 to 300, आपने सिटीजनशिप एम्बेसी से कोई सर्टिफिकेट लिया है 50 to 300, है ना। तो कॉमन साइज है आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ 50 to 300। तो जितने भी पीडीएफ हैं 50 to 300, जितने भी आपके पासपोर्ट साइज पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है 10 KB to 200 KB, और आपका सिग्नेचर 4 to 30 KB के बीच में आएगा। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इससे बड़ी जो है साइज का जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोशिश करोगे, वो अपलोड ही नहीं होगी, एरर बताता रहेगा, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान से जो है देखकर सेव करना है अपने सिस्टम में, उसको आगे के लिए भी सेव करके रख लेना। फिर आपको फीस पे करना है, और फीस पे करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड तो नहीं है, मैं आपको कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन और जरूर देना चाहूंगी, है ना, जो है कि क्या कोई और चेंजेस आए हैं। तो भाई इस बार एग्जाम के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर मैं आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाऊं तो आप एग्जाम का पैटर्न देख लो। नीट यूजी 2023 एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ लिखा है, एग्जाम आपका 3 hour 20 minutes का होगा, है ना। तो ये याद रखना सेम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जुआलॉजी में 4 subject में आपका पेपर डिवाइडेड होगा, और हर सब्जेक्ट में 2 section होंगे, 1 और 2, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 35 ईच दिख रहे हैं, है ना। तो हर सब्जेक्ट के सेक्शन ए में 35 questions हैं, और हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 35 out of 35 अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन बी में 15 questions हैं, लेकिन 15 में से आपको 10 questions ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आप किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कम आते हैं तो कम करो, क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। तो करेक्ट आंसर कर रहे हो अगर तो +4 marks मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसीलिए आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से अवॉइड करो। अब टोटल 200 questions हैं, जिनमें से आपको सॉल्व मैक्सिमम 180 ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और टोटल आपका एग्जाम 720 marks का ही हो रहा है। तो मैक्सिमम आप 720 marks ही लेकर आ सकते हो, ये बात याद रखना, है ना। अब आओ जरा
मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड, ओएमआर शीट फिल करनी होगी, ओएमआर शीट बॉल पॉइंट पेन से फिल करनी होगी, जो आपको सेंटर पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट होगा। आप अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में, टोटल 13 लैंग्वेजेस में पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं ध्यान से देख लो, इंग्लिश, हिंदी, आसमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी। एक चीज कॉमन होती है हर रीजनल लैंग्वेज में, हर रीजनल लैंग्वेज में पेपर इंग्लिश में भी होगा, है ना? तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होगा, मराठी में भी लिखा होगा, या इंग्लिश में भी लिखा होगा और कन्नड़ में भी लिखा होगा, है ना? हिंदी वालों के लिए भी पेपर इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो हर बार इंग्लिश में आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज चूज की है तो रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। एक और चीज ध्यान से देखोगे, है ना, तो एसमीज, उर्दू, बंगाली, गुजराती, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, ये आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ जो है रिलेट किए जा रहे हैं। तो आप जो है अगर कन्नड़ में पेपर देने वाले हो तो एग्जामिनेशन सेंटर कर्नाटका में ही मिलेगा, है ना? अगर आप मराठी में पेपर देने वाले हो तो लिखा हुआ एग्जामिनेशन सेंटर्स इन महाराष्ट्र आपको मिलेगा, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के मोड आपका जो है लैंग्वेज का चूज करना। अब ये सिटीज का बहुत बड़ा लिस्ट है जो हम अभी तो नहीं देखेंगे, जरूर बाद में देख लेंगे। बहुत सारे कोड्स हैं जो आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर देखने होंगे। इन कोड्स पर भी मैं बहुत जल्दी अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगी, सो दैट आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी जो है कंफ्यूजन ना हो। एडमिशन प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात क्या, इस बार भी आपके जो मार्क्स आएंगे नीट में, उसमें एक तो ऑल इंडिया कोटा होगा, है ना, जहां पर आप सेंट्रल सारे टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। फिर स्टेट गवर्नमेंट का अलग से कोटा होगा, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज अलग से, एनआरआई कोटा अलग से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग से ले सकती हैं, लेकिन सारे सारे यूनिवर्सिटीज नीट के थ्रू ही जो है आपका एग्जाम का रिजल्ट देखेंगी और उसी के थ्रू आपका एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है? अब कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो तो 15% उस इंस्टीट्यूशन में कोटा ऑल इंडिया होता है ना, और बाकी 85% होता है स्टेट कोटा, ठीक? तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, है ना, उस स्टेट से आप ये फायदा उठा सकते हो स्टेट कोटा में कॉलेजेस लेने का। इसके साथ हमने ऑलमोस्ट सारे बेसिक, है ना, चीजें कवर कर लिए हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही बड़ी है, जहां पर आप चाहो तो बहुत सारी चीजें देख सकते हो। अच्छे से बैठकर इंफॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार पढ़ो, है ना। आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का। एक और लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो है आपका जो है सिलेबस। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सिलेबस बहुत ज्यादा हट जाएगा क्योंकि बोर्ड से सिलेबस हट गया, तो क्यों ना हम जो है आधी चीजें ना पढ़े। भाई आपको पहले भी बोला था और वापस से बोलूंगी कि सिलेबस में, नीट के सिलेबस में चेंज नहीं आएगा। अगर, है ना, आपका जो है बोर्ड का सिलेबस चेंज हो भी जाता है तो आपके लिए सेम सिलेबस पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में सिलेबस में कुछ क्लैरिटी मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज आप सिलेबस में जो है देखते हैं, ये रहा आपका सिलेबस, यस, है ना। तो बायोलॉजी आ गया हमारा। भाई क्या बायोलॉजी से कोई चीज हटी है, क्या डिडक्शंस हुए हैं, ध्यान से देख लो। पूरा यूनिट 1 आ रहा है ना, पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आ रहा है। दूसरे यूनिट में सारे बच्चे पूछते हैं, मैम कौन सा जो है कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग में से क्या पढ़ना है। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि एनिमल टिश्यूज पूरा आएगा, और उसके बाद आपका कॉकरोच मेंशन किया हुआ है सिर्फ, है ना, तो सिर्फ कॉकरोच पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ कॉकरोच का पूरा आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शंस लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, क्या लिखा है, कॉकरोच, तो ये पढ़ना है। उसके अलावा आपका पूरा सिलेबस सेम है जो पहले आता रहा है, कोई सिलेबस में कट डाउन नहीं हुआ है। क्लास 11th, क्लास 12th के हर यूनिट से, हर उस चैप्टर से
वो सारी चीजें आने वाली हैं जो अभी तक आप पढ़ रहे हो या पढ़ रहे थे या जो भी कुछ आपने पढ़ा है, कहीं पर कोई भी चैप्टर कट डाउन नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। यही चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी है एक्चुअली, है ना। सिलेबस में किसी तरीके का कट डाउन नहीं किया गया है, तो आपको पूरे 98 चैप्टर्स, मैं पहले भी बोलती थी अभी भी बोल रही हूँ आपको, कि आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर वो सेम 98 चैप्टर्स पढ़ने, और उन 98 चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आप यूनिट वाइज जो है टॉपिक वाइज वो देख भी सकते हो कोर सिलेबस, तो एक बार इसको जरूर से बहुत ही अच्छे से देख लेना। इफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे करना है, और कोर्स जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है उसके लिए मैं वापस से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जब तक आप वो सारी चीजें ना समझ लो तब तक एप्लीकेशन फॉर्म जल्दीबाजी में नहीं फिल करना। मुझे कमेंट में लिखते रहो जो भी आपको हेल्प चाहिए फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है वो सब कुछ मैं वीडियोस के थ्रू क्लियर करती रहूंगी। और जरूर से सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सारे अपकमिंग सेशंस के रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि हम अब बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉर्ट सेशंस इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और साथ में टारगेट करेंगे 650 मार्क्स एटलीस्ट इन नीट 2023 एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।